और वफ्त करने की चीज क्या है? गरीब को साथ देना। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये जो वफ्त पुरापड़ियां कर को जाको हैं, तुम्हारे बच्चों को पालने को नवे, तुम्हें बिल्डरा बनने को भी आयशा का उतना बड़ा नाम तुम्हें निकाल को अल्फा को बने। किस वजह से बने? बीबी आयशा से, वक्त की प्रॉपर्टी से गरीब औरत को एक डिलीवरी को गई तो आज भी 50,000 रुपए। तो वक्त से क्या फायदा है? अल अंसार भी मैसूर की वक्त की प्रॉपर्टी हो। अल अंसार में तुम्हें चले गए तो इतने बड़े दाड़े अंचल को ही जेवर बेच को देना बिल, जिन्हें पेशेंट जा रहा है वहां को उससे जागो, तुम्हें तुम्हारे मीडिया वाले का भी फर्ज है, वो पेशेंट मांगो जाको, तुम्हें जाको पूछो उनकी हालत क्या है, क्या फैसिलिटीज है गरीब के लिए। गरीब के भाई मई मर्यादा भी कब्रस्तान में जाना, मई मर्यादा भी मस्जिद में पढ़ाना, क्या रोड पर नमाज पढ़ाती है सभा का रोज? भाई हमारी तो उम्र होगी भाई, आइंदा जनरेशन को हमें क्या छोड़ को जाती? नेक्स्ट जनरेशन को, हमारे पोतरे अंकों को हमारे बच्चों को क्या छोड़ के जाती? क्या ये चीजों की कमजोरी देखते हुए कि हुकूमत ने है इसका फायदा उठाने की कोशिश? 100% ये जो बात उठाए तुम्हें, ये बात में जो है कुछ एक 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 ये है वजनदारगिरी है। देखो मेरे से गलती हुई तो मेरा घर बर्बाद होता है, मेरे से गलती हुई तो मेरा घर बर्बाद होता है। सो जब मेरे घर में मैं खुद सीधा नहीं हूं तो मेरे घर की बाहर वालों को बोलने की जरूरत इसलिए है। तो अपने घर को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहा है? वफ्त कमेटी है। कहा है कमेटी? वफ्त कमेटी 40 साल से उन्होंने पकड़े को बैठी। अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में मैसूर के एक व्यक्ति जो आरटीए एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी जो है वक्फ बोर्ड के मसलों को लेकर जो है अवाम को जो है जागृत करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसा होना जरूरी है? जरूरी है। हर इंसान मई तुम्हें अच्छी लोगों ने हर इंसान ये चीज में जागृति हो। अरे भाई ऐसा छोड़ने को गए तो कब्रस्तान हमारा कब्रस्तान नहीं रहता, कॉम्प्लेक्सा हो जाती, मस्जिदा नहीं रहते। आज ही तोड़ रही मस्जिदा, आज ही मस्जिदा के ऊपर क्या क्या कर रही क्या नहीं कर रही अपने मीडिया में देख रही, लेकिन तुम्हें अवेयरनेस में नहीं आ रही मुसलमान आखिर वो तक क्या मुसलमान में आया है ये आ गई है। सो बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक बार आपने केवी न्यूज को बुलाया है, आज केवी न्यूज के सामने अपने दर्शकों को किस बात पर बात करने के लिए हमें बुलाया है सर? सबसे पहले केवी न्यूज वाले का बहुत शुक्रिया और हमारी आवाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहु। मैं आपको इसलिए बुलाया हूं कि हाल ही में एक दो तीन स्टेट में महाराष्ट्र हरियाणा इधर सभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शंस के पहले जो है बीजेपी गवर्नमेंट एक मुसलमान के ऊपर एक तोहमत लाना, एक मुसीबत लाना, एक उनको अवेयरनेस करना, तो इस वजह से जो है हमारी जो वफ्त की प्रॉपर्टी के ऊपर एक अमेंडमेंट बिल बनाने की कोशिश कर। तो मैं सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट को एक इत्तला करता हूँ, पहले तो अल्लाह है, वफ्त जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी, वफ्त जो है एक अवाम एक बुजुर्गों एक दान देखो इसो गरीबों की प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर जो हाथ डालना सबसे बड़ी बेखूफी मोदी की। मोदी का पूरा सफा 60 हो जाता, मोदी का नामो निशान नहीं रहता, इंशाल्लाह ये चीज। उसके साथ साथ जो है हमें भी जो ही मुसलमाना पूरे एक होने, अब कहां की एक फंक्शन है, कौन की एक फिल्म स्टार आ रहा है, कौन की एक गाने वाला आ रहा है, किसकी की एक शादी है, किसका की एक बर्थडे है को बोले तो पटाखे उड़ाना शोर करना जमना ये जो है ये सब स्टॉप होना।
सबसे बड़ी चीज मुसलमाना में सब नहीं है। आज इतना बड़ा मसला है हमारी कौम का, हमारी वफ्त का, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले कौन भी नहीं। सर व्हाट्सएप के जरिए से जो भी स्कैनर सर्कुलेट हो रहा है तो उससे जो है लोग कर रहे ना सर इस काम को, बिल रोकने के लिए काम कितने कर रहे। मैं हमें मैसूर की बात करेंगे, मैसूर के अंदर कितनी अवाम है टोटल मुसलमाना, एनआर चामराजा चामुंडेश्वरी कितनी अवाम है, खेड़े खेड़ियांको खेड़े खेड़िया में भी मुसलमान आई, खेड़िया में भी मोबाइल है, आज छोटे से छोटे आदमी के पास भी मोबाइल है। तो जिस तरीके से जिस इंसान एक इंसान को जिस तरीके से समझाना, वो जो व्हाट्सएप करने को सबको नहीं होता, वो एक उनको एक एक डेलिकेट्स बनाना, वो बना को उनको ऐसा नहीं ऐसा अवेयरनेस कराना, ऐसा करो ऐसा करो, हाईएस्ट करना इसमें। तो क्या किस तरीके से आप जो है इस बिल को रोकने के प्रयास कर रहे हैं? देखो भाई, सब बिल रोकने के लिए अभी जो गवर्नर का आर्डर जो हो के है या तो कोर्ट का आर्डर हो को है, तो एक ये बिल बचाने का है तो एक एक व्हाट्सएप के जरिए एक, एक तुम्हारा वो एक ये लग जा रही ना एक डेलीगेशन जैसा, एक डेलीगेशन जैसा। तो आज मैसूर की अवाम फॉर एग्जांपल एक 60 लाख है, अरे भाई 60 लाख के 60 लाख भी करना, 10 लाख है 10 लाख के 10 लाख भी करना, बेकार सुबह से शाम तक व्हाट्सएप में बेकार के प्रोग्राम, बेकार के फिल्म, बेकार के ये देखने को है, ये एक व्हाट्सएप में सब दिखा को दे रही, ये करने में नहीं है। आखिर तो क्या इसकी जिम्मेदारी है? अरे जिम्मेदारी है यहाँ क्या भाई, अब ये क्या हो गया है? देखो बोले तो बोलना शुरू करेगा तो बहुत लंबा है। अब यहाँ क्या है, मैसूर के तक के जाओ, अब यहाँ आलिमा भी ही वफ्त के प्रॉपर्टी में चेयरमैन भी ही हर जना है, अब उन्होंने जो है इसके ऊपर सब ले लेकर। तो आपका कहना है कि वो लोग जो है इस काम को लेकर एक अवेयरनेस करना, क्रिएट करना। अब हाल ही में परसों एसडीपीआई वाले मजीद भी तारीफ कर रहा, अब उन्होंने भी कोशिश करने की कर रही। हमारे अदमिया कितने जमे थे, जुम्मा थी वो रोज 15 लाख से आधा घंटा लेट जाको भी उनका साथ दे सकते थे। पार्टी वाइज नहीं है, बीजेपी नहीं, जनता दल, मुसलमान का वफ इस मुसलमान की प्रॉपर्टी। यूपी के जरे चंदौरा मेरे पास 3-4 साल पहले आए थे, लेकिन मैं उठाना नहीं चाहता, जब बात पड़ती है तो उठाना पड़ता। खतना को 2-2 हजार रुपए लेते थे, ये भी हमारे पास आको है, लेकिन वफ्त से क्या फायदा है भाई? ये सब देख को बीजेपी वाले इसका फायदा उठाने की कोशिश कर, ये हमारी खुद गलती से अब बोलना शुरू कर आ गया। वफ्त के बारे में बहुत चीज है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिनसे भी जाके वक्फ की मैं बात कर रहा हूं उनसे यही सवाल बार बार दोहरा रहा हूं। हर इंसान जो है अपनी जो भी वफ का बयान दे रहा है, वफ को लेकर, वफ के मामलों को लेकर, वो अपने बयान में कह रहा है कि वफ जो है सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट जो जायदाद है वो वफ के पास है। क्या यह बात आप भी मानते हैं कि सर? जरूर मानता। फिर लोग क्यों गरीब हैं सर? गरीब हैं क्योंकि बोलेगा तो आज तुम्हारे मैसूर तक की बात कर दूं, मैं पूरे कर्नाटक की पूरे इंडिया की बात नहीं कर सकता, मेरे खुद हमारे मैसूर भाई अपना घर खुद संभाल लेंगे। हमें मैसूर की बात ले लो, तुम्हें यतीम खाना है 40 साल से, एक सेक्रेटरी, एक किचक सेक्रेटरी, उसका क्या है खर्चा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन कभी एक कभी आईटीआई के अंदर दाल को हिसाब किताब पूछ रहा है। सवार ले दिन स्कूल, मैं भी मैसूर में पैदा हुई हूँ, सभी मिशन हॉस्पिटल में पैदा, के आर हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ, मंजे भी 60+7 साल, वक्त की क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है क्या है सब देखो। सवार ले दिन स्कूल अपेट मीडिया आए थे एक टाइम, आज को 10 साल पहले फोड़ को दलाल है, कहते कि गवर्नमेंट की क्या किया कहता था, फोड़ को दलाल है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, उसकी आमदनी क्या हुई, बिल्डिंग किसे पूछ को फोड़े तुम्हें, एक गरीब को 100 रुपया का तुम्हारे से फायदा नहीं है वफ्त से।
अब इस लोग अब इस तरीके के माहौल को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागृत कर रहे हैं क्योंकि बोलते तो मैं एक हमारे जमीर अहमद जो है एक कर्नाटक के मुसलमान आके एक अच्छा मिनिस्टर को बन गई, वफ्त मिनिस्टर को बन गई, इसके ऊपर सब जरा उठाना आवाज, इसके ऊपर ये जो ऑफिसर है, ऑफिसर करप्ट नंबर वन, वफ्त ऑफिसर, वफ्त ऑफिसर करप्ट नंबर वन। में बेंगलुरु के अंदर वफ्त के अंदर भाई को भी गलाटा कर कू 3-4 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये टाइम वफ्त के अंदर एंटर हो गए तो बाहर निकलने कुछ नहीं होता, उन्होंने कोर्ट आंकु चले जाते हैं, इनके भाव आएंगे प्रॉपर्टियां, वफ्त इनके भाव की प्रॉपर्टी का भी वफ्त से तुम्हें अब चेयरमैनशिप हटाओ जी को बोलते कोर्ट को भाग जाती, स्टे लगाया थी, कमेटियां बनाने को वफ्त ऑफिसर हम पैसे खाती, इसके कौन जवाबदारी? अच्छा वफ्त का एक्ट मालूम है 3 साल के ऊपर नहीं बैठ सकते, 6-6 साल 7-7 साल वफ्त का एक्ट जानती नो, मैसूर के अंदर 100 प्रॉपर्टी आएंगे तो 10 प्रॉपर्टी में इनोच मेमरा, इनोच चेयरमैन, इनोच सेक्रेटरी, इनोच सदरा, इनोच पूरा, आखिर क्या मैसूर की दूसरी अवाम नहीं छे? अनपढ़ अवाम क्या, एजुकेटेड नहीं छी क्या, रिटायर्ड ऑफिसर नहीं छी क्या? सर क्या मुसलमान जो है वो अपने जो धार्मिक लीडर होते हैं उनकी कदर करना चाहिए क्या सर मुसलमान को? देखो भाई एक हद से कदर करना, तो फिर आज तक जो है सरखाजी की क्यों नहीं कदर हो रही है सर? तो भाई सरखाजी की कदर कौन कर रहा सर? उनके लिए कना एक मकान बनाया गया है, कौन करना? पूरी 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 हवा मुसलमान समुदाय के लोग पूरे करना पड़ेगा, पूरा करना, उसे वफ्त करने की एक चीज है जी, तो वफ्त में जो जिन्हें भी ऑफिसर बैठता है उसका घर बना ले रहा जी, उसका घर बना ले रहा, और एक वो चेयर के वास्ते डिमांड रहता, एक टाइम चेयरमैन बन गया तो मैं और उसे बैठना, मैं और कंटिन्यू करना, मुझे इसका हिसाब दियो भी, कितना बचाऊंगा तुम्हें फ्री पढ़ा रही, वफ्त की प्रॉपर्टी अल होता है स्कूल ये हमारे यतीम खाने में है, कहते वो जंग फ्री पढ़ा रही, दिखाओ मुझे देखेंगे। सर अक्सर देखा गया है कि आप जो है मैसूर के रहने वाले, आप जो है अक्सर दो मस्जिदों को ज़्यादा जाते हैं जहाँ तक हमें मालूम है, एक तो हिलाल है, दूसरा जो है वो फाजिल की मस्जिद है जो आपके मोहल्ले की है, तो वफ से एक क्वेश्चन जो भी है वो भी बात किया गया था कि जो भी अखराजात निकाल के जो है उसमें से जो है 30% मस्जिद के अतराफ जो भी बेवा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उन लोगों को देना है, तो इसका भी अवेयरनेस कहीं भी नहीं है ना मस्जिद के ऑफिस के ऊपर, एक बोर्ड भी जो है 100 रुपए भी वफ्त से गरीब को फायदा नहीं, 100 रुपए भी, पहले के हमें भी बच्चे हैशटैग दे गए थे, वफ्त से पढ़ाते थे, शादियां करते थे, रमजान को कपड़े सिलाते थे, बुक्का दिलाते थे, सब चीज करते थे, कोविड जैसे मौके पर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं, खाली क्या जो है वफ्त जो है इनके बाप की प्रॉपर्टी आज। तो आप जो है लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों को अपील क्या है तो सब इकट्ठे हो, इकट्ठे हो को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर को हर इंसान से, हमारे मुसलमान भाइयों से, फर्स्ट वो जो व्हाट्सअप का जो ये है वो करो, उसके बाद जो है खाली इलेक्शन आया तो मैं एमएलए के पीछे भागने, मंजे सीट होना तुझे सीट होना, मंजे पोस्ट होना तुझे पोस्ट होने से क्या भी नहीं होता, मेरा घर मैं चलाया तो चलता है, सो भी पोस्ट से क्या भी होता नहीं, पोस्टा वाल पोस्टा सब देख को होगा, जब भी 60 पोस्ट 7 साल ये कुछ भी नहीं होने का, मेरा घर मेरे से खुद से चलता है। क्या सिग्नेचर कैंपेन वगैरह भी करना चाहिए? करना अवेयरनेस लाना मस्जिदा में, अनौंसा करना आदमियों को, रोज करो उसके बारे में, एक रोज करो, दो रोज करो नहीं, रोज जब तक भी डेट है 15 तारीख तक है, रोज भी करो, आदमियों को सिखाओ। सर आज के इस हालात को देखते हुए, चलो हम बात करेंगे मैसूर की ही, यहाँ के जो हालात को देखते हुए वक्फ मिनिस्टर को आप क्या मैसेज हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? वक्फ मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर को 3 साल से जो तुम्हें चेयरमैन और 3 साल से जो वक्फ ऑफिसर को यहाँ बिड़ा को आई,
इनको सबसे पहले डिसॉल्व करो, मैं अपील कर दो, तुम्हारा नाम खराब हो रहा, बिल्कुल तुम्हारा नाम खराब हो रहा। मैं मैसूर के अंदर पूरे मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने वाला इंसान, हर मस्जिद में प्रॉब्लम इन्हों खुद क्रिएट कर रही, इन्हों खुद क्या क्या किच कर रही। कई को 3 साल के ऊपर रखी से चेयरमैन को, बदलाओ दूसरे चेयरमैन नहीं क्या दूसरे, भाई तुम्हें किसे हो नाम से रखो, भाई ये बी सी डी को मैं नाम किसी का लेता नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है को मैं बाखेदा बोल दू। जबीर अहमद का नाम कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर तक भी नाम है। तो नाम ऐसे चीजों में लेकर खराब कई को कर लेते हैं भाई। तो आपका कहने का मतलब है जो भी वक्फ बोर्ड के जो भी कमेटीज हैं वहां पे जो है हर 3 साल को जो है इलेक्शन होना जरूरी है। गवर्नमेंट से 3.5 कॉर्पोरेशन से 3.5 करोड़ की कहते कि जुमा मस्जिद को है, जामिया मस्जिद उसका 1 रुपए का भी हिसाब कौन से भी देने वाला है। खुदा की कसम बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा चीफ मिनिस्टर, मैं इनको आरटीआई का पूरा लेखो डालने वाला हूं। मैं कोसे माइकल लाल को भी केयर करने वाला नहीं हूं, कोसे माइकल लाल को डरने वाला भी नहीं हूं। खुदा को डर तो मरना मारना है, और तुम्हारे पास मारने का जरिया बहुत अच्छा है, किसी की गांजा पिलाओ मारने करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरने को रेडी हूं, लेकिन मेरे एक सिर से तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाता, वो भी क्या। तो क्या नौजवानों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना? हिस्सा बस जरूर लेना, मैं अपील करता हूं, मैं हाथ जोड़ को बोलता हूं, तुम्हारे पावा पड़ को कर दो, इसमें जाओ, कौन भी मईका में बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप को जैसा इलेक्शन में तुम्हें जद्दोजहद करती, एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वास्ते जागो लोग आगे हाथों मुआ पकड़ती, होम को बचाओ, होम की प्रॉपर्टी को बचाओ। तो इस बिल को रोकने के लिए देखो हाल ही में, अब मैं बचपन से देख रहा हूं बड़े मकान की जगह अब उनके पुरुषों की जगह गत है, उनके पुरुषों का नाम डालो भी देखेंगे, 30 पर 3 कुंटे पगड़ को कंपाउंड डाले, किसके बाप की जगह वो, कौन की गैर गरीब क्या की बालू बत्ती बेच को क्या की खाले को जाता था, मुसलमान के कब्जे में था, गरीब के कब्जे में था। बरसा से मैं भी अजीज शेख के टेप से भी देख ले करो, उससे भी पहले देख ले करो क्या किए करले को जाते थे, एक प्रॉपर्टी एक हमारे हाथ में, अब बिल्डर के हाथ में कैसे आ गई, मैं बताऊ तो वो भी आरटीए को मुझे हिसाब होना उसका, किताब कौन कैसा दिए। सवार ले फॉरेस्ट यहां पर मैं आवाज उठाया भी, हमारी आवाम खाली खाने पीने शौक में हो गई है भी, एक चीज बचाना है का, अरे भाई हमारे बुजुर्गों छोड़ को जाको ही, साल को एक टाइम टीपू सुल्तान का एक उरुस कर डालती, मस्जिद के पास जाको झंडा लाने के ढांपो एक जना भी दिखता नहीं, ये अवेयरनेस जो है मुसलमान छोड़ो भी, कांधे के ट्रेना में मारा खारी, रस्ते पो मारा खारी, कल वहां हुआ आज यहां होता मेरे भाई। तो जिस मकसद से आपने हमें यहाँ पे बुलाया और बिल को जो है रोक लगाने के लिए जो भी आपने अपील की है हमारे माध्यम के ज़रिए से, हम लोग जो है इसको आपकी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। केवी न्यूज़ को वक्त निकाल कर जो आपने बात किया है इसके लिए हम आभारी हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।